छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले के बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया है। शाहजी राजे का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। कभी वे निजामशाही के लिए काम करते तो कभी आदिलशाही के लिए, और कभी तो उन्होंने मुगलों के लिए भी काम किया। ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक का दौर था। मलिक अंबर के बाद निजामशाही में कोई महत्वाकांक्षी योद्धा नहीं आया। वही आदिलशाही भी गैर जिम्मेदार शासकों के हाथों चढ़ गई थी। इसीलिए मुगलों की नज़र महाराष्ट्र पर टिकी हुई थी। ऐसे में शाहजी का संघर्ष तीनों सत्ताओं के साथ चलता रहा। फिर पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी का जीवन कितना संघर्षमय रहा होगा, यह कोई भी समझ सकता है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इस किले से उस किले पर भटकते और छुपते रहना पड़ता था। बाल शिवाजी पर अपने पिता के संघर्षपूर्ण जीवन और माता के पालन पोषण का कितना असर हुआ, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। आदिलशाही की चाकरी करते हुए शाहजी कर्नाटक में ही रहने लगे, लेकिन महाराष्ट्र में पूना, सुपा, चाकण और इंदापुर जैसे परगने उन्हीं की जागीरी में आते थे। 1636 में इस जागीरी की और अपने परिवार की देखरेख करने का जिम्मा उन्होंने अपने खास और स्वामिनिष्ठ सेवक दादोजी कोणदेव को दिया। दादोजी ने भी बड़ी मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम दिया, लेकिन एक बेटे को गुरु से ज़्यादा बाप की ज़रूरत होती है। माँ जीजाबाई को अपने पुत्र की इस उदासीनता को पहचानते देर न लगी, लेकिन वो करती भी क्या। फिर भी उन्होंने बाल शिवाजी को वीरों की कहानियाँ सुनाई, धर्म का ज्ञान दिया। वहीं दूसरी ओर दादोजी कोणदेव को सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। उन्हें शिवाजी के क्षत्रिय गुणों को पहचान कर उनको तराशना था। दादोजी कोणदेव पाटस परगने के मुल्ठान के कुलकर्णी थे। वे बहुत ही प्रामाणिक, कार्यक्षम और कर्तव्यगार प्रशासक थे। शिवाजी महाराज को स्वधर्म, स्वराज और कर्तव्य परायणता का परिचय कराने का श्रेय दादोजी कोणदेव को ही जाता है। शाहजी की गैर हाजिरी में दादोजी कोणदेव पुणे की जागीरी भी संभाल रहे थे। राज्य कारभार के हर मसले में वे बाल शिवाजी को अपने साथ ही रखते। लेकिन जदुनाथ सरकार जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार शिवाजी महाराज को अनपढ़ कहते हैं, जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज के हाथों से लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज आज तक हासिल नहीं हुआ। वे कहते हैं कि शिवाजी महाराज अकबर और रंजीत सिंह की तरह निरक्षर थे। महाराज के हस्तलिखित कोई भी पत्र नहीं मिलता, ये कहकर उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, ऐसा मानने वाले कई इतिहासकार आज भी मौजूद हैं। लेकिन फैक्ट्री रिकॉर्ड में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है कि महाराज को अक्षर ज्ञान था। साथ ही शाहजी महाराज के लिखे पत्रों में वे दादोजी कोणदेव को साफ साफ लिखते हैं कि बाल शिवाजी को युद्ध कला के साथ पूरा ज्ञान मिलना चाहिए। इसके अलावा भी शिवाजी पुत्र संभाजी महाराज विद्या कला में कितने परिपूर्ण थे, ये उनका इतिहास बताता है। इन सारे सबूतों को देखते हुए ये कहना कि शिवाजी महाराज अनपढ़ थे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खैर, हम बात कर रहे थे दादोजी कोणदेव की। शिवाजी महाराज 12 साल के ही थे तभी से उनकी शिक्षा आरंभ हो गई। उन्हें लड़ाई, शिकार, तैराकी और घुड़सवारी सिखाई गई। दादोजी कोणदेव ही
वो व्यक्ति थे जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर बाल शिवाजी ने बचपन में ही पूरी सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला अपने पैरों से नापी थी, जिसकी वजह से उन्हें इस प्रांत का चप्पा चप्पा मालूम था और यही स्वराज्य निर्मिति का आधार भी बना। तो इस तरह शिवाजी महाराज के जीवन में जो दो व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण हैं, वे हैं राजमाता जीजाबाई और दादोजी कोंडदेव। दादोजी के कर्म से शाहजी का फर्ज कहीं पीछे छूट गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जानकारी औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।